साथ आयुषी शर्मा, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। जबलपुर में बागसबाहा एवं जलवायु को बचाने के लिए जबलपुर में जुटेंगे देश भर के पर्यावरण प्रेमी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में बागसबाहा जंगल है। 7.5 करोड़ की आबादी वाला राज्य में 75 लाख लोगों को प्राणदायी ऑक्सीजन देने वाला बागसबाहा जंगल का अस्तित्व खतरे में है। हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ वृक्ष 200 लीटर ऑक्सीजन देता है और यह 7 व्यक्तियों के लिए काफ़ी है। साथ ही यह कार्बन डाई का संचय भी करते हैं, धूल को भी कम करते हैं और यहाँ पर 2.25 लाख पेड़ काटा जाना है। वह ना तो शहर बसाने नागरिकों की सुविधा के लिए सड़क डैम आदि बनता बात अलग थी, वह भी सिर्फ हीरे के लिए, जिसका उपयोग विश्व की आबादी का 0.01% भी लोग नहीं करते और उसका कोई रिसेल वैल्यू भी नहीं है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 1 तारीख से 3 तारीख तक जबलपुर में अधिवेशन रखा गया है, तो आपके माध्यम से मैं जितने भी यहाँ पे जन जंगल बचाने में लगे हुए हैं, सभी को मैं पहले वहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ। आप लोग, जितने भी लोग, आप सोशल वर्कर हैं, आप बागसबाहा जंगल बचाना चाहते हैं या अन्य जंगल बचाना चाहते हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप लोग 1 तारीख से लगा के 3 तारीख तक जबलपुर में जो अधिवेशन रखा गया है, आप लोग सब वहाँ पधारें। दीदी, आपके द्वारा लगातार ये प्रयास किया गया, पहले भी प्रदर्शन किए, आंदोलन भी करे, उसके रिजल्ट क्या आया? बिना रिजल्ट ये आया कि आज हम सब लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं और रिजल्ट तो अभी आएगा, अभी तो शुरुआत हुई है, शुरू किया है हम लोगों ने। जिस तरह से हमारे भैया लोगों ने बताया कि हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, हम लोगों ने आंदोलन भी किया, हम लोगों ने कोर्ट में भी लगाया, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात बहुत आसानी से मान ली जाए, नहीं तो आने वाले समय में अगर इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो चिपको आंदोलन भी होगा और बहुत सारे के ऐसे आंदोलन हैं कि हम सब मिलके करेंगे। और मैं इनको बताना चाहती हूँ सरकार से कि हमें ही नुकसान नहीं है, पूरे भारतवर्ष को नुकसान है। और जिस तरह से ये महामारी से हम लोग जूझे हैं, अगर ये बागसबाहा जंगल नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में और ऑक्सीजन की कमी होगी और घर घर बीमारियां आएंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बागसबाहा जंगल तो बचाना ही है, लेकिन आने वाले समय में हमें भोपाल का जंगल भी बचाना बहुत जरूरी है। और आप लोग जो हमारा साथ देते हैं, मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ और आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज 1 तारीख से 3 तारीख तक हमें जरूरत है। जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हम सब एक होके अगर इस सरकार से कुछ मांग करेंगे तो हम कुछ अलग कुछ कह पाएंगे। और रही हमारी मांग की बात, जंगल तो हम नहीं कटने देंगे, आज हम आपके माध्यम से ये सरकार को बताना चाहते हैं। ऐसे कितने NGO जो आपके साथ में हैं, जो इस जंगल के लिए बचाने के लिए वहाँ जबलपुर पहुँच रहे हैं? 140 लोगों ने तो शायद रिजर्वेशन करा लिया है, जैसे भैया जी बता रहे हैं। लेकिन मैं रिजर्वेशन के अलावा, भाई अगर हमें कहीं जाना होता है, कहीं शादियों में जाना होता है या अन्य कार्य के लिए जाना होता है, हम कैसे पहुँचते हैं? ये तो आउट ऑफ प्रदेश थे, है ना। तो इसी तरह हम जल जीवन जंगल अगर बचाना चाहते हैं तो एक दिन का समय निकालें और व्यवस्था करें कि हम कार से पहुंच सकते हैं, कि रिजर्वेशन करा के पहुंच सकते हैं, कि बगैर रिजर्वेशन के पहुंच सकते हैं, किस तरह से पहुंच सकते हैं। और मैं आप लोगों को भी वहां इनवाइट करना चाहती हूं, आप लोगों का भी दायित्व है कि आप लोग भी एक दिन का समय वहां पे दें और आप कैसे हम इस जंगल को बचा सकते हैं उसमें भी आप हमारा साथ दें। और आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वहाँ पहुंचकर आप किस तरह के कार्यक्रम, पेड़ वहाँ और जो पेड़ पौधे लगाएंगे या फिर इस और किस प्रकार की गतिविधियाँ वहाँ होंगी? वहाँ एक दिन का तो शायद तीन दिवसीय कार्यक्रम है पूरा हमारा। मैं डॉक्टर राजीव जैन हूँ, भोपाल से ही हूँ। और हमारा ये कार्यक्रम 1, 2, 3 अगस्त को हम लोग जबलपुर में इकट्ठे हो रहे हैं। वो 140 NGO की संख्या है, लेकिन इन NGO से 4-5 लोग आ रहे हैं, मतलब हम लोग 500 से 1000 लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। और हम लोग 1 तारीख को सबसे पहले हमारा वहाँ पर एक संगोष्ठी रखी गई, जो विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न राज्यों से हमारे जो पर्यावरण कार्यकर्ता आ रहे हैं, वो अपनी बातें रखेंगे, अपनी योजना का स्वरूप रखेंगे। 2 तारीख को हम लोग जबलपुर से निकल कर बागसबाहा पहुँचेंगे, जो 15 गाँव का जो जंगल कटने जा रहा है,
वहाँ पर हम ग्रामीणों से बात करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार ने अभी उनको बहुत से लालच और नुकता लेकर के उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य उनको कहना कि जो सरकारें आपसे बात कर रही हैं, सरकारों की तो केवल बातें होती हैं, हम लोग 140 NGO हैं, अगर मिलकर के आप लोगों के लिए वो काम करेंगे तो सरकारें भी नहीं कर सकती, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या कोई रोजगार का हो, वो हम सब लोग मिलकर के आने वाले समय में उनको उपलब्ध कराएंगे और उनकी जीवन रेखा को हम लोग बचाएंगे। 2 तारीख को वापस से हम लोग जबलपुर फिर आएंगे और जो हम लोग वहाँ पर अपना कार्यक्रम जो हमने बनाया, लोगों को हमने इकट्ठा किया, 3 तारीख को हम लोग जितने पर्यावरणविद दें अगली रूपरेखा का हम लोग उसमें क्रियान्वयन करेंगे और जो पर्यावरण हमारे लोग पूरे मध्य प्रदेश से बाहर से आ रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल लोग भी हमारे बीच आ रहे हैं, तो हम उन लोगों का इसलिए सम्मान करेंगे कि आज हम लोग इकट्ठा होकर के जो जन जंगल और जमीन की जो बात आ रही है उसको हम बचा पाएंगे। और ये अकेले हमारा अकेला बक्सवा की बात नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन चुका आज हमारा आंदोलन। और हमने भोपाल में क्या पूरे भारतवर्ष में कोरोना के काल में देखा है कि किस प्रकार से ऑक्सीजन के कारण लोगों ने तराई तराई मची, चूंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैंने खुद भोपाल के वो स्थिति देखी हुई है, तो मुझे लगता है कि हर आदमी, हर पर्यावरणविद जो जो अपनी इच्छा रखता है वो हमसे जुड़ेगा और इस बक्सवा को बचाने में हम सबका सहयोग करेगा। और आप लोगों का सहयोग हमेशा से बना आ रहा है, तो 3 मई से आंदोलन चल रहा है, तो इस आंदोलन के रूप में टुकड़े टुकड़ों में बढ़ाकर आज यहाँ तक आए। और आपको बता दें हमारा एक साइकिल का दल 30 तारीख को वहाँ पर बिहार मुजफ्फरपुर से चल करके बक्सवा पहुँचने वाला है और पूरे 800 किलोमीटर की साइकिल चला करके वो लोग बक्सवा पहुँचने वाले हैं। इस तरीके से टुकड़ियाँ भी हमारे यहाँ की संख्या की कोई वो हमारे पास वो नहीं है, हम लोग तो एक आंदोलन को जागरूक करना चाह रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस करना चाह रहे हैं कि लोग भी इससे जुड़े, क्योंकि आंदोलन हमारे लिए नहीं सबके लिए। दीदी नाम बता दीजिए, ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। देश भर से सर कितनी समितियाँ, कितने लगभग 140 संगठनों के 100 प्रतिनिधि अभी तक रिजर्वेशन करा चुके हैं और अभी 1 तारीख से है, 31 अगस्त को पहुँच ही जाएंगे हम लोग, जुलाई